नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप बिहार राज्य की निवासी है, अगर आप जो है फैक्स में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो कि बिहार राज्य में जो है एक फैक्स संस्था है जो कि बिहार सरकार की तरफ से चलाया जाता है। इस संस्था के इसमें जो भी जीतते हैं, मतलब जिस तरीके से मुखिया का वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, उसी तरीके से इसका भी चुनाव होता है। और चुनाव में जो भी जीतते हैं उसी वही जो है 5 साल तक जितने भी कामकाज होता है वो करते हैं। कामकाज मतलब जैसे किसान से रिलेटेड जितना भी होता है, चाहे बीज हो या फिर खाद हो, इसी तरीके का सारा चीज़ उनके पास में आता है। किसान अनाज उगाते हैं, वो अगर बेचना चाहे तो वो भी उन्हीं के द्वारा बेचते हैं। तो हर 5 साल पे एक बार चुनाव होता है। अभी जो है चुनाव आने वाला बिहार में, ऐसे में यदि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट मतलब जो आपका नॉर्मल वोटर लिस्ट है उससे अलग ये वोटर लिस्ट होता है, जो फैक्स का होता है उसमें अलग, अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं गिरा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले कि किस तरीके से आप जो अपना खुद का नाम या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर का नाम जुड़वा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। टैक्स में नाम जुड़वाने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। बस आपको PACS वोटर लिख करके सर्च करना है। जैसे PACS वोटर लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में लिंक दिखा दे रहा है, इसी लिंक के ऊपर मैं आपको एक बार क्लिक कर देना। फिर से ये वेबसाइट जो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। पहली बार यूज कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं इसका इंटरफेस इस तरीके से दिया हो। यहाँ पे स्लाइड भी आपको, यहाँ पे आपको इमोजी के द्वारा जो बताया भी जा रहा है। यूजर आईडी और पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अगर आप जो है इसमें अपना आईडी नहीं बनाए हुए, तो सबसे पहला काम आपको अपना यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपका जो है उम्र 18 साल होना चाहिए, आप किसी दूसरे फैक्स के सदस्य नहीं हैं, आप संबंधित फैक्स के कार्य क्षेत्र संबंधी पंचायत में निवास करते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तभी जा करके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारा चीज़ इसमें दिया हुआ, इस सभी बॉक्स के ऊपर में आपको टिक लगा देना है। जैसे आप इस सभी बॉक्स के ऊपर में टिक लगा दीजिएगा, उसका नेक्स्ट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना, अनुमंडल आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्रखंड, उसके बाद फैक्स का जो ग्राम पंचायत वो राजस्व जो आता है वो, आप जिनके नाम से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उनका नाम, आवेदक का नाम फिर हिंदी में, पिता या पति का नाम फिर उसी का हिंदी में, उसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, जाति है, स्त्री मेल पुरुष जो भी है वो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जो है उसके बाद फिर आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और कोई भी सिंबल, ये इस तरीके से आपको अपना जो पासवर्ड रखना है, उसके जो कैप्चा वो दे देना है। रजिस्टर के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपका सारा चीज़ सही रहता है तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला स्टेप। तो यदि और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि मेरे पास में सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करके आपको नहीं दिखा सकते। यहाँ पर जो है इसका पूरा डेमो दिया हो, तो सेकेंड वाला ऑप्शन के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में एक PDF ओपन होगा और इस PDF में पूरा क्लियर दिया हुआ कि किस तरीके से आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको इस तरीके से यहाँ पे बता दिए। उसके बाद सेकंड में आप देख पा रहे कि किस तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद थर्ड नंबर में जैसे आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट रहता है तो आपका यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन जो आएगा, उसमें आपको अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो कैप्चा जो है वो टाइप करके लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, अगला इंटरफेस फिर से आपके सामने में इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, सदस्यता फॉर्म आपको भरना है, दस्तावेज अपलोड करना है जिसमें कि आपको फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और फिर जो आधार कार्ड है वो लगेगा, सिफारिश करने वाले का नाम, यहाँ पे दो आदमी का जो है जो ऑलरेडी पहले से मेंबर बने हुए फैक्स का, उनसे आपको साइन करवाना पड़ेगा, बैंक का डिटेल्स भी आपका लगेगा। उसके बाद फाइनल यहाँ पे अंतिम रूप के ऊपर में आपको आना है और इसको भी आपको क्लिक कर देना है। और सारा चीज़ भरने के बाद फिर नेक्स्ट अगले स्टेप में इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख पा रहे कि इस तरीके से ये कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि दो स्टेप यहाँ पे आप देख पा रहे क्लियर हो जाएगा, जो भी क्लियर होगा उसमें ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरे स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे चौथे स्टेप में आपको अपना आधार नंबर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दो फैक्स मेंबर का नाम बोले उनका यहाँ पे नाम और सिग्नेचर लगेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना बैंक का डिटेल्स दे देना है, पासबुक भी आपको अपलोड करना पड़ेगा,
फाइनली यहाँ पे जो आपका सारा स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको जो है गेट ओटीपी फॉर फाइनलाइज इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे सारा रिव्यू आ जाएगा और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फिर आपका जो फाइनल ये प्रिंट हो जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है नाम फैक्स में जुड़ जाएगा। और दूसरा जो तरीका है, यदि आपको जो अभी वर्तमान में फैक्स अध्यक्ष है यदि उनसे अगर आपका साठगांठ है तो इतना आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं, वो आपका नाम खुद खोज करके जो है उसमें ऐड कर देगा या फिर अगर आप उनको भी बोलिएगा तो वो आपका नाम जो है ऐड कर देगा। हालांकि अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं अगर वो नहीं चाहेगा कि नाम जुड़े तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर करवा सकता है। उम्मीद करता है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।